हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली में वैकेंसी निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, जिसके बारे में आज डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस वैकेंसीज के रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्या उनका पे स्केल है, एज लिमिट क्या है एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है तीन पोस्टें हैं, कुमार भृत्या में अंडर ओबीसी, स्वस्थ वृत्त में ओबीसी एंड शरीर क्रिया अंडर एससी। ये तीन पोस्ट है प्रोफेसर की एंड इसका पे स्केल रहेगा 37,400 टू 67,000 प्लस जीपी है 10,500 का प्लस एनपी एडमिसिबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। इसकी एज नॉट एक्सीडिंग देन 55 ईयर्स। इसमें आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस चाहिए होगा, डिग्री इन आयुर्वेदा एंड MD MS रिकग्नाइज्ड बाई CCIM, PhD इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड मिनिमम 16 ईयर्स फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर MD MS और होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट इन आयुर्वेदा टीचिंग इंस्टीट्यूट, हाई क्वालिटी पब्लिश्ड वर्क सच एज रिसर्च पेपर्स एंड बुक और टेक्निकल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी प्रोफेसर की इन शल्य तंत्र, वन पोस्ट है अंडर UR। इसका भी पे स्केल सेम है एंड एज वही नॉट एक्सीडिंग देन 55 ईयर्स। इसमें भी आपको डिग्री इन आयुर्वेदा, डिग्री इन MD और MS एंड PhD इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मिनिमम 18 ईयर्स फुल टाइम टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर MD MS। डिटेल आपको इसमें आप वेबसाइट में मिल जाएगा। और इसके बाद है एसोसिएट प्रोफेसर की दो पोस्टें हैं, एक है अंडर SC प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग एंड एक है अंडर ST संहिता एंड सिद्धांत। इसमें पे स्केल रहेगा 37,400 टू 67,000 प्लस GP 9,000 प्लस NPA। इसमें आपको डिग्री इन आयुर्वेदा, डिग्री इन MD और MS एंड PhD इन द कंसर्न सब्जेक्ट चाहिए, मिनिमम 9 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरर, आउट ऑफ विच 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज गाइड एट MD MS PhD लेवल इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा अगर आपके पास टोटल 14 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है एट UG लेवल विद PhD तो भी चलेगा। एंड नेक्स्ट, अगर हाई क्वालिटी पब्लिश्ड वर्क सच एज रिसर्च पेपर्स एंड बुक्स और टेक्निकल रिपोर्ट्स ये चाहिए। एंड वन पोस्ट इन रोग निदान एज एसोसिएट प्रोफेसर, पे स्केल वही है इसका जो एसोसिएट प्रोफेसर मैंने बताया था इससे पहले प्रसूति तंत्र एंड संहिता सिद्धांत में। और इसकी एज है नॉट एक्सीडिंग देन 50 ईयर्स और इसमें आपको एसेंशियल है डिग्री इन आयुर्वेदा एंड देन MD MS एंड PhD इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मिनिमम 6 ईयर्स टोटल फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर MD MS और 9 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरर एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज गाइड एट MD MS PhD लेवल इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड हाई क्वालिटी पब्लिश्ड वर्क इन रिसर्च। इसके अलावा है और पोस्टें भी हैं इसमें दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है इन शल्य तंत्र अंडर SC, ये एक पोस्ट है, वन सिंगल पोस्ट एंड इसमें पे स्केल रहेगा 15,600 टू 39,100 प्लस GP है 8,000 प्लस NPA, एज है नॉट एक्सीडिंग देन 45 ईयर्स एंड एसेंशियल इसमें है डिग्री इन आयुर्वेदा, डिग्री इन MD MS एंड 3 ईयर्स फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आफ्टर PG, पब्लिश्ड वर्क सच एज रिसर्च पेपर्स। एंड ये कैसे अप्लाई करना मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का इनकी वेबसाइट का जो लिंक है हमने दिया हुआ है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपने जाना है एंड देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्मेट वन में इट इज़ फॉर टीचिंग एकेडमिक एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिट इज 7th January 2022 एंड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ऑफ इंडिया पोस्ट ओनली। फिर से सुनिए,
एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट ऑफ इंडियन पोस्ट ओनली एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एंड इनवैलिड एप्लीकेशन किस किस पॉइंट पे आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो सकती है? वेन एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड आफ्टर 7th January, दैट इज़ क्लोजिंग डेट, और उसमें अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर लेटेस्ट फोटो पेस्टेड नहीं है और सिग्नेचर नहीं है आपके या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर विदाउट एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस, ये सब पॉइंट्स को देखते हुए आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इज 7th January 2022। एंड इफ़ द क्लोजिंग डेट यानी कि जो 7th January हैपन्स टू बी अ हॉलीडे, देन उसको उसके जो नेक्स्ट डे एप्लीकेशन रिसीव होगा एंड नेक्स्ट डे क्लोजिंग डेट माना जाएगा, ऐसा इस वेबसाइट पे लिखा है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, फ़ीस कितनी, कौन से टाइप के एप्लीकेशन फॉर्मेट में चाहिए, आपको वेबसाइट में सब मिल जाएगा डिटेल। और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही और जॉब एप्लीकेशंस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।